मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। अंबाला में कोरोना वायरस से एक वृद्ध की मौत और दो मरीजों में से एक को पीजीआई रेफर के बाद एसपी अंबाला ने किया रियलिटी चेक। कैंट थाना में सभी एसएचओ की ली बैठक। तबलीगी मरकज नमाजियों बारे दिए निर्देश। तबलीगी नमाजियों को किया गया दूसरी मस्जिद के शिफ्ट। एसपी ने कहा कि कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों की होगी जाँच पड़ताल। सीएमओ से लिस्ट लेने के बाद सभी को किया जाएगा क्वारंटाइन। मृतक के परिवार की हिस्ट्री लेकर संपर्क की होगी जाँच। तबलीगी मकरज वाले लोग आए थे तो इनके बारे में क्या दिशा निर्देश है, अगर ये इधर से उधर जाते हैं या कुछ करते नहीं? अब तो देखिए, जो भी हमारे ज़िले में थे, जो भी लिस्ट आई थी तो उनको सभी को क्वारंटाइन कर रखा है, तो अभी तो वो सब यही हैं। और उनमें से आज दो पॉजिटिव भी आए हैं, चार के सैंपल्स भेजे थे, दो नेगेटिव आए, दो पॉजिटिव आए हैं। तो उनके उनसे जो जो संपर्क में लोग आए हैं उनके लिए भी दोनों एसएचओ को बोल दिया है, वो लिस्ट तैयार करके हमें दे देंगे, हम सीएमओ से उन सभी को क्वारंटाइन कराएंगे। पुलिस को दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि जैसे कई लोगों के संपर्क में आए होंगे लंबा चला? देखिए, जो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो 22 तारीख से तो वैसे ही लोगों का मूवमेंट बहुत कम था, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे ये लोग संपर्क में आए हैं। उनको भी ऑलरेडी उनके जो फैमिली मेंबर्स है प्लस उनके शायद नीचे किराए पे कोई रहते थे उनको क्वारंटाइन कर दिया है, प्लस ये जो एक्सपायर हुए हैं उनके कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो उठते बैठते थे उनको भी बता दिया है, उनकी भी लिस्ट अभी सेपरेटली तैयार करके वैसे उन लोगों को वबली तो बता दिया, उनको भी क्वारंटाइन मेडिकल टीम से। वो बाहर नहीं घूम रहे, वो जो एक धमासी आई हुई है उन्होंने दूसरी मस्जिद में है, वो जिस मस्जिद में उनको वहाँ ही हमने क्वारंटाइन कर दिया है, और जिस भी जो ये पर्चा पड़ा जो खिलाफ कर नियमानुसार उनके लिए जाएगी। देखिए, हमारी इनके जो चीफ इमाम हमारे कासिम साहब हैं सुन्नत चौक के मस्जिद की, तो इनसे हमारी पहले भी बात हुई इस बात को लेकर, जो तीन जमातें आई हुई हैं ये लॉकडाउन की वजह से, ये इन्होंने जाना था, ये जा नहीं पाया।